हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मोशन इन टू डायमेंशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब कहाँ हम डिस्कशन कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, यहाँ पर हमें एक ही डायरेक्शन दे रखी होती थी, या तो एक्स एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करा, यानी कि या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब बात करने जा रहे हैं हम व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन और इन टू डायमेंशन, जहां पर हमें दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी या तीन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। हम मोशन इन अ प्लेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेशली मोशन इन टू डायमेंशन क्या रखा है कि एक्स और वाई प्लेन ही ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ प्लेन की बात करेंगे तो वहां एक्स वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। तो इसको समझते हैं जरा, मोशन इन अ प्लेन किस तरह से है। तो कंसिडर करेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां इधर मूव कर गया, हमने यहां से यहां मूव कर गया प्लेन में, ये पोजीशन थी, ये ए से बी पॉइंट पर। तो हमने पोजीशन वेक्टर बताया था, इसका पोजीशन वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर ड्रॉ हो जाएगा। ये है एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू, आर वन और आर टू। अब बात आती है कि आर वन आर टू और ये अगर आर ले लिया तो यहाँ मुझे पोजिशन वैक्टर दे रखे होंगे। क्या दे रखे होते हैं? पोजीशन वेक्टर दे रखे होते हैं। अगर मेरे पास ये पार्टिकल है, ये ए यहां से यहां मूव कर रहा है, ये तो पोजीशन ऑफ ए कैसे दिया जाएगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, ये हम बता चुके हैं, इसको हमने आर वन वेक्टर ले लिया, तो क्या दिखाएंगे? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, ऐसे दिखाएंगे। पोजीशन ऑफ बी कैसे दिखाएंगे? पोजिशन ऑफ बी तो आर टू दिखाएंगे एक्स टू आई प्लस वाई टू जे दे रखा होगा मुझे, इसकी पोजिशन, ये पोजिशन, सब अलग अलग पोजिशन होगी। अब अगर मैं दिखा दूंगा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा ए बी। मतलब इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लेन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पोजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है कि प्लेन में डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, अब वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये पता लगाना है कि किसी भी प्लेन में ऑब्जेक्ट करते हुए, यानी टू डायमेंशन के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज समझते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन, ये समझना है। ये कोई पोजीशन है पार्टिकल, ठीक है, किसी भी पोजीशन है पार्टिकल की, तो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, ऑफ एनी पार्टिकल इन अ प्लेन। प्लेन क्या है मेरे पास? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे दे दिया जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। नाउ एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन तो वेलोसिटी कैसे दी जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहां हम यूज कर लेते हैं, तो वी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी एक्स आई और प्लस वाई जे, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। अब ये डी एक्स ओवर डी टी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई ओवर डी टी स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, इसको कैसे लिखेंगे? तो वेलोसिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई। मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का आएगा वो अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स और वी स्क्वायर वाई, और जो डायरेक्शन आएगी टेन थीटा
वी वाई अपॉन वी एक्स आएगा, ये निकल आया हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, अगर मुझे टू डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा, पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, या मैं अलग अलग कंपोनेंट निकालूंगा, तो एक्स वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लूंगा और वाई वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लूंगा, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल के उसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और उसको मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। पहली बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्या है अब हम प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब प्लेन में मोशन की बात करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वेक्टर, कुछ ना कुछ कंपोनेंट दे रखे होंगे कि एक्स डायरेक्शन में इतना है और वाई डायरेक्शन में इतना है। ठीक है, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखने के बाद में हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड किया करेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास वेलोसिटी अगर मिल जाता है, क्या जाता है, ये वेलोसिटी मिल जाता है, तब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी, वी की वैल्यू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो ये हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई और डी वी वाई अपॉन डी टी जे, तो ये बन गया एक्सेलरेशन ए एक्स आई और प्लस ए वाई जे। ऐसे हम आगे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ऐसे उसका मैग्नीट्यूड और ऐसे ही डायरेक्शन निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर, सभी की समझ में आ रहा है? अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से ये चीज हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी कैसे हम ये चीज फाइंड करेंगे। चलें, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, x एंड y कंपोनेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन आर गिवन एज, ये पोजीशन वेक्टर x इक्वल टू at स्क्वायर, y इक्वल टू 2bt, a और b कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तब हमें ये पता लगाना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, x एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, ये सब पुराने क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास x और y कंपोनेंट दे रखा और कांस्टेंट दे, कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी है साथ में उसकी, तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टी स्क्वायर, और y इक्वल टू है मेरे पास 2 बी टी, तो y इक्वल टू 2 बी टी है, b की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू हो गया 2 टी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है x और y की टर्म में इक्वेशन निकालना, तो यहां से मैं t की वैल्यू निकाल कर put in first, put in equation first, तो पहली equation में लगा दूंगा, तो x equals to 3 और t की जगह हो जाएगा y upon 2 square, 3 y square upon 4, तो हो जाएगा 4x equals to 3y square, तो ये बन जाएगा equation of trajectory, okay, this is what equation of trajectory, यानी equation of path, किस रास्ते पर वो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, वो रास्ता वो पार्टिकल का कर्व या वो स्ट्रेट पाथ है जैसा भी है, उसकी अगर मैं इक्वेशन निकाल देता हूँ तो क्या बन जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब उस रास्ते की जिस पर वो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकल कर आ गया टी को एलिमिनेट करने के बाद। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे हम, पहला पार्ट हो गया यहाँ पर, ये सेकेंड पार्ट के लिए मुझे x और y यानी कि 3t स्क्वायर और 2t, ये दो कंपोनेंट दे रखे हैं, अब मुझसे क्या बोले x मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालना है, तो अलोंग x एक्सिस के लिए मैं वेलोसिटी निकाल देता हूं, तो x एक्सिस के लिए वेलोसिटी vx हो जाएगा dx ओवर dt, तो x का है मेरे पास at यानी ये 3t स्क्वायर है, तो d ओवर डी टी इंटू 3t स्क्वायर, डिफरेंस क्या बेटा 3 ऐसे रहेगा, t स्क्वायर क्या जाएगा 2 इंटू t, फॉर्मूला यूज याद है, d ओवर डी एक्स एक्स रेस टू द पावर n, n x n माइनस 1, डिफरेंशिएशन का रिमाइंड करें, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये x की पावर n, n पहले आ गया, कम हो गया 3 टू 6, t हो गया ये मेरे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड की बात चल रही है, तो जो वी एक्स आ गया 6 इंटू 2 कितना आ गया
मीटर पर सेकंड आ गया। टोटल वेलोसिटी निकालनी है हमें अभी, वाई कंपोनेंट निकालेंगे एलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास हो गया वी वाई, तो डी वाई ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टू टी, टू टी, तो बेटा टू इंटू टी बन गया और ये टू आ गया। तो देयरफॉर अब मैं वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ओके, तो यहां तक समझ में आया सभी को। अब हमने क्या करना है, v जो आया मेरे पास वो वी एक्स कितना आ गया मेरे पास, 12i और प्लस 2j, ये वेलोसिटी आ गई मेरे पास। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो v इक्वल टू मैंने बताया अंडर रूट v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, v स्क्वायर x 12 प्लस 2, 144 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट 148, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, 12.1 या 12.2 मीटर पर सेकंड ये मेरे पास वेलोसिटी निकल आएगा। अब इसी तरह से हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन, क्या कह रहे हैं हमसे, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने एक्सेलरेशन के। यहां तक बात समझ में आ गया, पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया, हमने इस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल ली थी, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों ही तरीके का डिस्प्लेसमेंट का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ पर, और बाद में उसको जो वेक्टर फॉर्म करते हैं उस तरह से कर लिया। अब एक्सेलरेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के लिए आगे देखेंगे हम, उसको मिटा रहे हैं हम। तो एक्सेलरेशन में हमने ए निकालेंगे पहले अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, तो ए एक्स आ जाएगा डी वी एक्स ओवर डी टी। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट टी की टर्म में उधर क्या आया था, 6 इंटू टी, तो डी ओवर डी टी, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था 3 टी स्क्वायर को तो कितना हो गया था टी, तो 6 इंटू टी का वन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 सेकंड दे रखा है लेकिन टी कोई जरूरत ही नहीं है। और अलोंग वाई एक्सिस क्या रहेगा, वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है मेरे पास डी वी वाई ओवर डी टी, तो वो ऑलरेडी कितना आया था, इसको जब सॉल्व किया था 2t को तो सिर्फ 2 आ गया था, तो ये कितना आया था 2 आया था, तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो रहेगा मेरा वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ ही रहेगा। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी निकल कर आ गया। ये प्लेन के लिए है, इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट लेकर हम सॉल्व किया करते हैं अलग अलग इक्वेशन ऑफ प्लेन में जब बात आती है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0 विद वेलोसिटी 10 जे मीटर पर सेकंड एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8i प्लस 2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला पार्ट है फाइंड द टाइम एट व्हिच इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अंडरस्टैंड, हमें यहां इनिशियल स्पीड दे रखी है जो वाई एक्सिस की तरफ है, जे का मतलब एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब पहले इसकी इक्वेशन ऑफ पोजीशन बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, देखो यू क्या है हमारे पास, यू जो दे रखा है इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो हमें 10 जे मीटर पर सेकंड, 10 जे है ठीक, टाइम टी किसी भी टाइम पर, टाइम जीरो है इन्होंने इनिशियल है, टी इक्वल जीरो का मतलब क्या है इनिशियल, और एक्सेलरेशन क्या है इसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये स्पीड एक्सेलरेशन है 8i प्लस 2j, तो एट एनी इंस्टेंट, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला, एफ इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं यू टी
स्क्वायर। अब यहाँ पोजीशन को एस से दिखा दो या आर से दिखा दो, एज यू विश। तो हम एस से ही दिखा देते हैं इसे। तो एस यू कितना है मेरे पास, 10, 10 जे इंटू टी प्लस, हाँ ये हो जाएगा 8i प्लस 2j इंटू टी स्क्वायर। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, पोजीशन निकालनी है मुझे। तो 10 टी जे प्लस 2 से करूंगा, 2 4 द 8, 4i और 2 1 द 2 जे इंटू टी स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो एस आएगा 10 टी जे प्लस 4 टी स्क्वायर आई, 4 टी स्क्वायर आई प्लस जे टी स्क्वायर, जे टी स्क्वायर। अब हम यहां से क्या कर लें, आई और जे के कंपोनेंट बना लें इसके। तो एस इक्वल्स टू, ये जे वाला है, ये जे वाला है और ये आई वाला है। ये तो हो गया 4 टी स्क्वायर आई प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर जे। ये बन गई पोजीशन वेक्टर, क्या बन गया, ये पोजीशन वेक्टर बन गया 4 टी स्क्वायर आई 10 टी प्लस टी स्क्वायर जे। जे के कंपोनेंट अलग हो गए हमारे पास और के वाला आई वाला कंपोनेंट मैंने अलग कर दिया। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, x i प्लस y j। तो देयरफॉर मेरे पास x कंपोनेंट क्या हो गया 4 टी स्क्वायर और y कंपोनेंट क्या हो गया 10 टी प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया x और y कंपोनेंट, यहां से मुझे मिल गया। मैंने वेक्टर फॉर्म में इसे बना लिया, r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में बना लिया मैंने क्वेश्चन को अपना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करके। सभी को समझ में आ गया, पार्टिकल ने स्टार्ट किया था 0 यानी इनिशियल स्पीड इसकी ये थी और एक्सेलरेशन इसका ये था। तब मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी फाइंड करनी है, कंपोनेंट फाइंड करने हैं और पोजीशन के। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता है। यू मुझे ये दे रखा था वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और ये ए दे रखा है एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इस 2 का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 2 से 2 4 द 8, 2 1 द 2। अब ये i और j को अलग अलग सेपरेट कर लिया, पहले t स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, ये i का कंपोनेंट हो गया, ये दोनों j के कंपोनेंट थे, j कॉमन ले लिया हमने, x और y मेरे पास आ गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पहला पार्ट क्या कहता है हमारा, देखें हम भाई, सभी बच्चे देखें अच्छे से यहाँ पर। पहला पार्ट हमारा ये कहता है कि टाइम निकालो जब x कोऑर्डिनेट 16 है, यानी कि when x equals to 16, x की वैल्यू कितनी है 4 टी स्क्वायर इक्वल टू 16, टी स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 4, 4 का 16 टी स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड। तो जब टी की वैल्यू 2 सेकंड है, पहले टाइम आ गया, वहीं पर मुझे y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। y क्या है मेरे पास 10 टी प्लस टी स्क्वायर, तो वहीं मुझे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। What is the y coordinate at that time? Therefore, y equals to 10 t plus t square और at t equals to 2 second. क्योंकि time हमने कितना निकाल लिया, 2 second निकाल लिया है, तो y आ गया मेरे पास 10 into 2 plus 2 square 20 और 4, ये 24 meter है। Okay, तो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट निकल आया, ठीक। जब x कोऑर्डिनेट कितना है 16 मीटर की डिस्टेंस है, तो y कोऑर्डिनेट 24 मीटर पर है, y पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ 24 मीटर के बाद 2 सेकंड, ठीक है। t इक्वल टू कितना है वो 2 सेकंड का टाइम है, आफ्टर 2 सेकंड के बाद 16 से x पर 16 है, तो y पर 24 मीटर है। अब क्या कह रहे हैं हमसे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उसी टाइम पर मुझे स्पीड चाहिए। तो अभी अभी हमने जो लिखी थी इक्वेशन, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। हमारे पास किसकी इक्वेशन थी, हमारे पास थी पोजीशन की इक्वेशन, यानी हमारे पास अभी कौन सी इक्वेशन बनी थी, पोजीशन इक्वेशन बनी थी, जहां पर तो वी हैव बी पार्ट निकाल रहे हैं, हमारे पास एस था, कितना था एस 4
60 स्क्वायर आई प्लस 40 स्क्वायर आई प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे, ये मेरे पास क्या था, पोजीशन था 4t स्क्वायर आई प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे। अब इसकी पोजीशन के बाद वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी या स्पीड v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ds ओवर dt, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आइए d ओवर dt 4t स्क्वायर i प्लस d ओवर dt 10t प्लस t स्क्वायर g। इसकी इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन, x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन और y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कीजिए डिफरेंशिएशन, तो देखिए 4 ऐसी रहेगा, x की पावर n है तो 2 पहले आ गया, एक पावर कम हो गई, प्लस 10 t प्लस t स्क्वायर। तो देखें 10 इंटू t 1 रह गया और t स्क्वायर का 2t हो गया, दैट क्लियर, 10 प्लस 2t, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कहीं पर भी d ओवर dx x होता है तो ये 1 हो जाता है। अब यहाँ पर d ओवर dt सिर्फ 10t था, ठीक है, 10 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, t का हो जाएगा 1, t स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा, 2t हो गया ये। तो अब वेलोसिटी मेरे पास क्या बन गया, 8t i प्लस 10 प्लस 2t j, ये क्या आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गया। यहाँ तक क्या आया, वेलोसिटी। अब मुझे वेलोसिटी कौन से टाइम पर निकालनी है, वही टाइम, टाइम कितना आ गया मेरे पास 2 सेकंड, x इक्वल टू 2 सेकंड पर ही निकालना है हमें, ठीक है, हमने 2 सेकंड निकाल लिया टाइम। अब 2 सेकंड यहाँ पर 2 लगा देंगे हम बस, तो v इक्वल टू 8 इंटू 2 i प्लस 10 प्लस 2 इंटू 2 j, सो 16 i 4 और 10 40 j, ये आया वेलोसिटी 16 i प्लस 14 j। therefore मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अंडर रूट v x स्क्वायर यानी i के कंपोनेंट का स्क्वायर v x स्क्वायर प्लस v y j 14 का स्क्वायर, 16 16 256 प्लस 14 हो गया 196, 6 और 6 12 कैरी 1, 10 और 5 15, ये वेलोसिटी आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास वेलोसिटी भी आ गया टाइम टी 2 सेकंड पर, ठीक है, 21 के आसपास आएगी वेलोसिटी हमारी। तो अब ये मेथड है इस तरह से मोशन इन एक्स वाई डायरेक्शन में हमें निकालने के लिए, अगर हमें मोशन इन अ प्लेन आएगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी पूछा जाएगा वो हम इस तरह से निकालेंगे।